नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पेलेटर क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ट्रस्ट में इस वीडियो को ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा। तो चलो बढ़ते वीडियो में आगे की ओर, आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट की अगर एप्लीकेशन है आपके पास में तो और वेल एंड गुड। तो चलो यहाँ पर आपको अब करना है क्या है कि आपको प्रोफाइल आइकन पर आना है। सिंपली हम प्रोफाइल आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अब है कि आपकी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। सिंपली फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप है अगर आपके पास, प्लस का ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी कितनी प्लस मेंबरशिप और बची है। ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, माय विश लिस्ट, और नीचे आ गया है यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर। ठीक है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से मुझे 15,000 की लिमिट मिल गई है। मेरे पास में बहुत सालों से मैं, यानी कि दो तीन सालों से मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे लिया जाता है वो भी अगर आपको जानना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है और इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सिंपली इसको लेने के बाद में अब आपको यहाँ पर इसका उपयोग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है। फ्लिपकार्ट पे लेटर ये होता है एक्चुअली कि यहाँ पर जो हमारा जो फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पर आपको एक लोन दिया जाता है। इस लोन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप हमारे दिए गए पैसे से अभी आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पर आप यहाँ उसका पेमेंट कर देना, यानी कि मंथली का यहाँ पर पेमेंट आपको होता है। 1 महीने की मोहलत आपको दी जाती है फ्लिपकार्ट की तरफ से, उसके बाद में आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 15,000 की मुझे लिमिट दी गई है और मैं यहाँ पर अगर 15,000 रुपये यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ पर 208 रुपये यूज़ कर रखे हैं। तो ये 208 रुपये में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जून, यहाँ पर नीचे लिखा रहा है 1 जून को यहाँ पर मुझे पेमेंट करना होगा। हाँ, आपको यहाँ पर पैसे लेने के बाद में पेमेंट ज़रूर करना होता है क्योंकि यहाँ पर ये लीगल काम है। और इसका पैसे ना रखने की वजह ये है कि आपका ये सिविल भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये क्या होता है। उसके बाद में कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पर अच्छी शॉपिंग करते हैं, यानी कि फ़्लिपकार्ट पर अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर आने के बाद में सिंपली आपको फ्लिपकार्ट में सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर। उसके बाद में आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स दे देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपकी अच्छी शॉपिंग हुई है तो। मैंने यहाँ पर 15,000 की लिमिट मुझे मिल चुकी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो पैसा होता है इसका EMI में हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप इसमें EMI पर भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरी लिमिट 15,000 की दी गई है, मैं 15,000 का प्रोडक्ट यहाँ पर EMI पे मंगवा सकता हूँ, जैसे कि 10 महीने, 15 महीने, 8 महीने, ऐसे करके मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की EMI पे मंगवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि EMI का कैसा होता है कि यहाँ पर आपको EMI पर प्रोडक्ट मंगवा लेना है, बट इसमें आपको हर मंथ यहाँ पर भी पेमेंट करना होगा, यानी कि जो है कि अगर आप करना चाहे तो लास्ट में पेमेंट कर सकते हैं। सारा का सारा जो 15,000 का प्रोडक्ट है, आपको अगर 15,000 की लिमिट यहाँ पर फुल हो चुकी है उसके बाद में आप यहाँ पर पेमेंट करना होगा आपको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको और कुछ अगर जानकारी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर होता है उसकी हर एक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं हम किसी वन अनदर वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।